हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं 13.60 रुपये के शेयर ऑब्जेक्टॉन इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड के बारे में। एंड लगातार क्वायरी यहां पे आ रही थी इस शेयर के लिए, एंड जो क्वायरी आ रही थी वो इनकी तरफ से आ रही थी, पूजा जगताप जी की तरफ से। मैं यहां पे आपको शो करा देता हूं, इनकी तरफ से आ रही थी। इनने यहाँ पर ऑब्जेक्टॉन इन्फो सिस्टम लिमिटेड 13 रुपये का जो IT शेयर है इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था। एंड एक बार नहीं, दो तीन बार बोला, एंड मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाना सही समझा। एंड आपकी जो भी क्वायरी हो तो आप भी अपनी क्वायरी डाल सकते हैं, एंड आप भी अपनी वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपकी क्वायरी लेता हूँ। एंड आपके सभी लोगों के कमेंट्स मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। यदि इस कंपनी की बात करते हैं ऑब्जेक्टॉन की, तो यहाँ ये IT में वर्क करती है। एंड आप देख सकते हैं इंडिया एंड US में 1996 से वर्क कर रही है। यदि और भी इसके डाटास की बात करें तो ये काफ़ी मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है, ग्लोबल इसके कस्टमर है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल कस्टमर्स है, एंड अक्रॉस मल्टीपल वर्टिकल लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल्स सर्विस, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सर्विस, काफ़ी जगह अपने सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है। यदि इस कंपनी की बात करें तो मुझे इस कंपनी की सबसे यहाँ पे एक ही बात थोड़ी दिक्कत दे रही थी, जो इसका मार्केट कैपिटलाइज है सर। बकाया इस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स मुझे ठीक लगे, मैंने डिस्कस कर लिए। मैं आपको भी नीचे चल के अभी सब कुछ डिस्कस करा देता हूँ, बट यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम है। 14 करोड़ की ओनली यहाँ पे कंपनी है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 14 करोड़ का यहाँ पे रहने वाला है। इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके भी डिस्ट्रिक्ट में कोई यदि एक बड़ी सी शॉपिंग मॉल होगा तो उसका इससे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी कम है। बकाया यदि हम और चीज़ों की बात करें तो काफ़ी ये बेटर परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है। करंट प्राइस की यदि बात करें तो 13.60 रुपये के साथ ये कंपनी है। इसने अपना हाई यहाँ पे 17.04 रुपये बनाया था, एंड लो की बात करें तो 2.40 रुपये के साथ ये डिजर्व बनाया था काफ़ी समय पहले। स्टॉक पी की बात करें तो ठीक ठाक स्टॉक पी के साथ अवेलेबल है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक पी इसका अच्छा है। बुक वैल्यू की बात करें तो ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी है कि बुक वैल्यू भी इसकी काफ़ी सही चल रही है, एंड बुक वैल्यू से भी अपना 20 पैसे नीचे ही ट्रेड हो रहा है। ओके, तो ये भी एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो पेनी स्टॉक है, तो डिविडेंड यील्ड की तो हम यहाँ पे आशा नहीं कर सकते, तो ये 0.0 कोई भी दिक्कत नहीं है। ROC की बात करें तो पॉजिटिव है, 5.07 के साथ ठीक ठाक ROC ही हम बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2.08% की रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ 10 की फेस वैल्यू के साथ ये रहने वाला है। अभी हम इसके और भी फंडामेंटल्स की यदि बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 15 डेज एंड 200 डेज EMAC, ये शेयर का जो रेट है, पर्टिकुलर शेयर का रेट है। पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे शो करा देता हूँ, एंड यदि इसको थोड़ी ग्राफ को इसको बढ़ा लेता हूँ। ओके, इसका ग्राफ ये है। ओके, एंड ये अपने 50 डेज एंड 200 डेज EMA से काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो अच्छा खासा बुलिश मोड में, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आज के भी दिन मार्केट इतना ज़्यादा गिरा हुआ था, तो ये जो पर्टिकुलर शेयर है यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट इस शेयर में नहीं देखी गई है। ओके, एंड यदि इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज भी इसके हैं, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डेप्थ फ्री कंपनी है। एंड और भी यदि बात करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी सही रेट पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो ये इसके थोड़ी आप प्रोज बनते हैं। एंड कॉन्स तो इतने ज़्यादा इसके कॉन्स नहीं है, मैंने चेक कर लिया। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, एक ये छोटा सा यहाँ पे कॉन्स निकल के आ रहा है, एंड एक कॉन्स यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि पे ये डिविडेंड नहीं देती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पेनी स्टॉक है, कोई डिविडेंड की ज़्यादा आशा नहीं कर सकते। एंड सेल्स ग्रोथ पुअर्स दिखाई गई है, बस ये छोटे मोटे कॉन्स है, कोई ज़्यादा बड़ा इस कंपनी का कॉन्स यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। यदि सेल्स की बात करें तो सेल्स भी एक कॉन्स्टेंट साइज की सेल्स यहाँ पे शो हुई है, सेल्स में ग्रोथ नहीं है, जैसे कि वहाँ कॉन्स में बताया गया है सेल्स में कोई ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है 2019-2020। हो सकता है कोविड का इस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया हो, बट IT सेक्टर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके जो पीयर कॉम्पिटेटर है उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने को दिखी है समय के साथ साथ, बट इसकी सेल्स को यहाँ पे ग्रो होते हुए नहीं देखा गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे दिसंबर 2020 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देन फिर यदि इसके बाद जाते हैं तो यहाँ मार्च 2021, सितंबर 2021, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ निकाल के यहाँ पे दे रही है कंपनी 0.49 का, हम बोल सकते हैं 0.49 करोड़ का यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिया है
सितंबर क्वार्टर में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पे निकाल के दे रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी नेगेटिव में था एंड पॉजिटिव में अभी इस समय है। तो कंपनी एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, कोई इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। एंड ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, सही ओक्यो के रिजल्ट से, ओक्यो के रिजल्ट से हम बोल सकते हैं। एंड यदि और भी बात करें इसकी, अभी हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, पहले बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। तो इसके जो रिजर्व्स हैं, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ रिजर्व्स की यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी रिजर्व चेक करा देता हूँ। तो रिजर्व्स भी इसके लगातार यहाँ पे कम हुए हैं एंड मार्च से सितंबर क्वार्टर में थोड़ी से ज़्यादा ग्रो होने को यहाँ पे दिखे हैं। तो यहाँ पे तो दिखे हैं बट यहाँ लगातार यहाँ पे रिजर्व्स कम होने को दिखे हैं, जो थोड़ी यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। बट यदि बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी यहाँ पे कम हुई है, यहाँ पे बढ़ गई है। तो यहाँ पे तो ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट लेना पड़ेगा एंड छोटा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आता है इस कंपनी के लिए। यदि फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट भी आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रो होने को नहीं दिख रहे हैं, बल्कि यहाँ पे लॉसेस ही उठाने को दिखा है फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट इनकी जो वैल्यूज़ हैं, मशीनरी इनकी वैल्यूज़ हैं, तो मशीनरीज की वैल्यूज़ हमेशा कम होती रहती है। यदि आज के दिन यदि कोई कंप्यूटर का रेट 20,000 है तो वो अगली साल यहाँ पे घट के 20,000 है, तो वो आज तो एक साल बाद वो घट के यहाँ पे 19,000 हो जाएगा एंड हो सकता है कि 15,000 भी हो जाए। तो ये फिक्स एसेट है इनकी, इस कंपनी के, आईटी कंपनी के हमेशा फिक्स एसेट आपको लगातार कम होने को ही दिखेंगे। यदि उसके पास लैंड या कोई वैल्यू इस तरह की फिक्स वैल्यू नहीं है तो उसके फिक्स एसेट हमेशा कम ही देखने को मिलते हैं। यदि अदर एसेट की बात करें तो अदर एसेट इसके थोड़ी ग्रो होने को दिखे हैं, तो जो यहाँ पे एक थोड़ी पॉजिटिव पॉइंट जरूर इस कंपनी के लिए दे रहे हैं। बट अभी हम बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्ट चल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास इसकी 16.94% होल्डिंग है एंड यहाँ पे पब्लिक के पास 83.06% होल्डिंग है। तो पब्लिक थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे माल लिए हुए हैं, जबकि यहाँ प्रमोटर के पास एक ठीक ठाक होल्डिंग 16% है, जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी सही नहीं है, क्योंकि 25 से 75% प्रमोटर की होल्डिंग रहनी चाहिए, जबकि इस परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा कम 16% है। तो हो सकता है कि आगे इनको यहाँ पे बढ़ानी भी पड़ जाए होल्डिंग, जैसे कि यहाँ पे आता है इनका सर्कुलर निकलेगा तो उस तरह से इन्हें बढ़ानी पड़ जाएंगी अपनी होल्डिंग। तो ऐसा कुछ है इस कंपनी का, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बकाया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। बकाया तो ओके रिजल्ट्स हैं, कोई ज़्यादा कुछ खास रिजल्ट नहीं है, बल्कि आपको मार्केट में इससे अच्छी कंपनी देखने को मिल जाएंगी जिसके रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि इसकी सेल्स की बात करें, काफ़ी पहले से 2010 से डाटा लिया गया है, 2010 में 29 करोड़ की सेल्स थी। देन इस समय देखें तो कोई ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं है, 29 करोड़ से 28 करोड़ सेल्स रह गई है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ी यहाँ पे हो सकता है कि आगे ये अपनी परफॉर्मिंग मोड में हो, क्योंकि जो आईटी सेक्टर यहाँ पे बूम किया है वो 2018-19 के बाद ही किया है। तो अभी तो यहाँ से 18 से देखें तब तो इसमें यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, बट यदि काफ़ी पहले से बात करें, 2010 का डाटा यहाँ सेल्स का लिया गया है, तो उसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बकाया आप थोड़ी देख के समझ के आप लगा सकते हैं, कंपनी में ओके ओके रिजल्ट्स हैं, कोई कंपनी लॉस में भी नहीं है एंड कंपनी लगातार अच्छा कर रही है, 2-3 साल से अच्छा कर रही है। बकाया उसके पहले से देखा तो 2010 के बाद से 2018 का जो पीरियड है उसमें कंपनी ने कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है, बट 18 के बाद अपने परफॉर्मिंग मोड में। बकाया आप देख के इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। एंड यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।